बहुत पुरानी बात है, एक नायकपुर गांव में एक भूतिया महल था, जहां पर गांव के लोग जाने से डरते थे। सभी उसके आसपास भी भटकने का भी हिम्मत नहीं करते थे। भूतिया चुड़ैल यह चाहती थी कि कोई भी इंसान उस महल के आसपास भी ना भटके और वहां पर अपना बसेरा ना करे। इसलिए वह झूठ मूठ में यह हवा फैलाती थी कि वह चुड़ैल है और उसके महल पे कोई नहीं जाए, नहीं तो वह कौवा का रूप उसको दे देगी। इसीलिए गांव के सभी लोग उससे डरते थे और उसके आसपास भी नहीं जाते थे। एक दिन चुड़ैल खुद से ही बोलती है, मैं चाहे जो हो जाए अपने इस घर में किसी को आने नहीं दूंगी। ये मेरा घर है और इसमें मैं किसी इंसान को इसमें बसेरा नहीं दूंगी और कोई भी इसे खरीद भी नहीं सकेगा ना बेच सकेगा, क्योंकि मैं इसकी रक्षा करूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगी। उसी दिन से चुड़ैल किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देती थी और जो आता उसको कौवा के रूप में बदल देती ताकि सब लोग डरे। लेकिन एक दिन गांव के सरपंच का बेटा गोलू को यह बात खटक गई, क्योंकि वह पढ़ा लिखा था और वह इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था। ये गांव में क्या हो रहा है, मेरी को तो समझ में नहीं आता, लेकिन विज्ञान बोलता है कि भूत ऊत कुछ नहीं होता, सब कोई मजाक कर रहा है लगता है। मेरे को ही देखना पड़ता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और गांव के लोग बोलते हैं कि जो भी उस महल के अंदर जाता है वो खवा बन के बाहर आता है। मुझे भी तो देखना चाहिए ये क्या हो रहा है, मैं भी तो देखूं मेरा विज्ञान जो कहता है क्या वो सच है कि नहीं। और अगर सच भी है तो क्योंकि कौवा बनाकर वो गलत काम कर रही है। तब वह सरपंच का बेटा गोलू उस भूतिया महल के पास जाने लगा। वह उस महल में जाकर छुप गया। वह देखना चाहता था कि आखिर यह कौन कर रहा है। तो वह देखता है, ओह चाय कैसे रखा है, वो भी घर में। चाय तो केवल इंसान ही पीते हैं, चुड़ैल नहीं इसे पी सकती, कुछ तो गड़बड़ है। फिर कुछ समय बाद वह चुड़ैल वहां पर आती है और उस चाय को पीती है और तभी गोलू समझ गया कि वह औरत है और वह भूत बनके नाटक कर रही है। तभी गोलू चुपचाप वहां से चला जाता है और घर पे जाके ही अपने पिता से बताता है और पिता उससे बोलते हैं कि अच्छा बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम इस गांव के लिए बहुत अच्छा काम किए हो, क्योंकि इस गांव में सभी लोग उससे परेशान थे। चलो मैं भी इस बात को सभी गांव वाले से बताता हूँ और तुम भी जाओ उसका पर्दाफाश करो और मैं भी गांव वाले को लेकर आता हूँ। तब गोलू के पिता सभी गांव वाले को बताते हैं और गोलू नकली भूत बनकर जाता है और गांव वाले बाहर से छुप कर खड़े होते हैं और गोलू महल के अंदर जाकर उस चुड़ैल को डराने लगा, क्योंकि वह तो चुड़ैल थी नहीं, इसलिए उसे डर सटमे लग रहा था। हाँ हाँ हाँ, तुम कौन हो, तुम तो यह चुड़ैल नहीं लगती हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि मैं विदेशी भूत हूँ और मैं जब किसी को खाता हूँ तो जीवित नहीं बचता है। हाँ 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 हाँ, तुम अपना सच्चाई बताओ नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुनने में आया है तुम सभी गांव वाले को परेशान करती हो। अरे मुझे मत खाओ, मैं तो एक औरत ही हूँ और मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ अपने महल को बचाने के लिए कर रही थी कि कोई इसे बेच ना पाए और इसमें कोई अपना बसेरा ना कर पाए, मैं बस इतना ही चाहती थी। इसीलिए मैं कोई भी अंदर आता है तो उसे मैं कौवा बना देती हूँ ताकि सभी गांव वाले डरे और इसके आसपास ना भटके और इसको ना बेचे और इसमें अपना बसेरा ना करें। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे गिनती करती हूँ। गोलू औरत की बात को सुनने के बाद नकला मास्क हटा देता है और बोलता है, अरे ये सब खाना पाप है। गोलू को इतना कहते ही सभी गांव वाले आते हैं और मानने के लिए उत्सुकता हो जाते हैं और गोलू सभी लोगों को इस औरत की परेशानी को बताता है
और सभी गांव वाले का गुस्सा शांत हो जाता है और वह बूढ़ी औरत सभी से माफी मांगती है। उसी दिन से वह खुलकर बाहर निकलती थी और आराम से बुढ़ापे का जीवन जीने लगती है। कहते हैं ना, हमें अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए, उसकी सच्चाई को पता कर लेना चाहिए, तब उस पर विश्वास करना चाहिए।